अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको मसाले वाले कबाब बनाने की रेसिपी देती हूँ। जो कि रमज़ान शुरू हो चुका है तो हमारा दिल करता है कि हम कुछ डिफरेंट चीज़ खाएं, और ड्राई चीज़ कुछ लोग पसंद करते हैं, और जो जल्दी बन जाए वो जल्दी जल्दी से हम बना के तो अपनी इफ्तारी के लिए रेडी कर सकें। तो पहले मैंने आपको दम कबाब की रेसिपी दी थी, सेम नहीं है ये, थोड़ी उससे डिफरेंट है क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत सारे जो थे ग्रीन मसाले ऐड किए थे, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल हम थोड़े डालेंगे, लेकिन टेस्ट जो है काफी डिफरेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, 1 किलो कीमा है, ये चर्बी वाला कीमा लीजिएगा। कबाब जो है ऑलवेज ये फैट वाले ही अच्छे लगते हैं। मसालों में मैंने इसलिए इसके ऊपर सारी चीजें रख दी हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप कंफ्यूज ना हो कि कीमे में क्या डालना है और मसाले में क्या डालना है। यहाँ पर मैंने 1 पीस जिंजर लिया है, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून बनेगा। 4 चिली है, 2 ऑनियन है, साइज आप देख लें, बहुत बड़े बहुत छोटे मत डालिएगा। 1 टीस्पून जो है वो क्रश चिली है, और 1 टेबलस्पून है जीरा पाउडर है मेरे पास। सॉल्ट है मेरे पास 1 टीस्पून, और ये ग्राम फ्लावर है, बेसन 2 टीस्पून सॉरी। ठीक है, ये वो मसाले हैं जो कीमे में डालेंगे। आपने इन सब चीजों को चॉपर में डालकर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, चॉपर है या ग्राइंडर है, उसके अंदर आप डालकर इनको सबको हमने पीस लेना है। ठीक है, मसाले मत डालिएगा, सिर्फ ऑनियन चिली जिंजर और कीमा डाल के आपने पीस लेना है, और फिर बाद में ये मसाले ऐड करके आप मिक्स कर लीजिएगा। तो जो मसाला हम बनाएंगे वो है मेरे पास, मैंने तकरीबन 3 टमाटर लिए हैं, बड़े साइज के थे, मैंने पीसेस छोटे छोटे काट के रख लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास जिंजर एंड गार्लिक है, तकरीबन 2 टेबलस्पून जिंजर एंड 2 टेबलस्पून जो है वो गार्लिक इसके अंदर ऐड होगा। जीरा पाउडर है, क्यूमन सीड 1.5 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, और ये है कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। ऑलवेज बोलती हूँ कि आप अपने हिसाब से डालिएगा। और ये है मेरे पास फ्रोजन, क्योंकि रमज़ान है तो टाइम नहीं होता ज़्यादा, इस वजह से मैंने टाइम की बचत के लिए मैं ये सारी चीज़ें पहले काट के तो फ्रीज कर लेती हूँ। ये तकरीबन आप ये देखिए 1 प्याली मैंने फुल भर के ली है। चिली मेरे पास है गार्निश के लिए, और ये ग्रीन ऑनियन है, ये भी तकरीबन 1 प्याली है, आप ये काट के तो रख लीजिएगा। तो आइए अब हम तैयारी की तरफ चलते हैं। रेडी कर ली है इस तरह से। 1 किलो कीमे की आपके बहुत सारे कबाब तैयार होंगे, तकरीबन आप 5-6 लोगों के लिए आराम से इफ्तारी की पार्टी कर सकती हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़े बड़े बड़े बनाइएगा, बहुत लंबे मत बनाइएगा, वो इस वजह से कि जब आप मसाले में डालेंगे तो वो टूट जाएंगे जब आप इसको भूनने लगेंगे या चम्मच से मिक्स करने लगेंगे। तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, जो कि मसाले के अंदर भी मैंने ऑनियन शामिल करने थे, वो मैंने देखे ये साइज मैंने ऑनियन का लिया है, तकरीबन मेरे पास 4 थे। नॉर्मल साइज के लीजिएगा, बहुत ज्यादा मत लीजिएगा, बस अब हम इसको ऑनियन को भी चॉप कर लें। तो यहाँ पे मैंने 2 पैन लिए हैं, 1 पैन में मैं कबाब साथ साथ फ्राई करती जाऊंगी, दूसरे में मैं अपना मसाला रेडी करूंगी ताकि हमारे टाइम की भी बचत हो जाए। तो हमने बस मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, तो आपने जो कबाब है इस तरह से इसके अंदर डालते जाना है और सारे फ्राई कर लेंगे। दूसरी साइड से मैंने ये प्याज ऐड कर दिया और हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। इस तरह से आपने साथ साथ इसको चेंज भी करते रहना, बस फुली कुक मत कीजिएगा क्योंकि हमने इसको मसाले में भी पकाना है, तो कबाब इसके अंदर जब हम दम देंगे तो ये पक जाएंगे। थोड़े थोड़े से ऐड करती हूँ निकाल प्याज को, ये मैंने चॉप करके इसके अंदर डाला था। मैं ऑलवेज जो है वो मैं ब्लेंडर में डाल के इसको चॉप करती हूँ, हाथों से तो बहुत टाइम लग जाता है। तो बस अब साथ ही मैं इसके अंदर ये वाले सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो ऐड कर दूँगी। ये मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, और क्यूमन सीड पाउडर डाला है, जीरा पाउडर डाला है, और मैं इसके अंदर ये टमाटर सारे ऐड कर दूँगी।
ये देखिए कबाब मैंने सारे ये फ्राई करके रखी है यहाँ पे। अब मेरे मसाले ये तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। अब टमाटर जब इस तरह से आप देखें, शक्ल मैं आपको करीब करके दिखा दूँ कि हाफ जब ये इस तरह से हो जाते हैं तो फिर हम इसके अंदर कबाब जो है वो ऐड करेंगे। आप इसको मिक्स कर लें ताकि जो मसाला है वो कबाबों को लग जाए। अब कबाब डालती हैं, मिक्स करती हैं, तो अपनी जो हीट है वो लो कर लीजिएगा। पहले मसाले को फुल हीट करके आपने करना है, फिर उसको जब कबाब डालेंगी तो उसको हीट को लो कर लीजिएगा। फिर अब मैं इसके अंदर ये ग्रीन ऑनियन जो है ये ऐड करूंगी, और साथ ही मैं ये कोरिएंडर और जो है वो चिली, मेरे पास ये इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमने इनको पकाते रहना है जब तक अच्छी तरह इसका टमाटर का जो पानी निकला है वो ड्राई ना हो जाए और ऑयल ना निकल आए, सेपरेट सेपरेट मसाला ना हो जाए। मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी क्योंकि कबाब हमने हाफ कुक किए थे, फ्राई किए थे, वो अंदर से नहीं प्रॉपरली कुक हुए होंगे, लेकिन ये है कि थोड़े से वो कच्चे जरूर रह गए जाते हैं अंदर से। तो इस तरह से आप इसको प्रॉपर कुक कर लीजिएगा। और बस अब हम इसको दम पे रखते हैं तकरीबन हाफ एन आवर, तो इसको हम दम पे रख लेंगे ताकि अच्छी तरह ये जो मसाला है वो पक जाए। आप देखें कि टमाटरों ने अगर पानी ज़्यादा छोड़ा है तो वो ड्राई नहीं हो रहा, तो आप ये करें कि इसकी तेज़ आग करके इसका पानी जो है वो ड्राई कर लें मसाला, जब आपने मसाला ऐड किया था ग्रीन वाला, फिर उसके बाद आप इसको 10-20 मिनट के लिए आप दम दे दीजिए। ये देखिए तो पूरी तरह आप इसको अच्छे तरीके से भून लीजिएगा ताकि इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसके अंदर कोई ग्रेवी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह जितनी देर जल्दी आप इसको अच्छे तरीके से भूनेंगी उतने ही मजे के ये कबाब आपके रेडी होंगे।